क्या ऑफिशियली प्रभास एरा स्टार्ट हो चुका है, वही एरा जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी कि अभी तो कल्कि चल रही है, साथ साथ में अब द राजा साहब का प्रमोशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। क्या वो सब चीजें स्टार्ट होनी हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं? क्या इस वक्त पर कुछ नई बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं बॉलीवुड की तरफ से, उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। और साथ साथ में समोसों की पोल कॉल, जो आपने कहा था मुझसे कल कि समोसों की भाई पोल कॉल जरूर करना, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले खुशी की खबर जो है वो ये है कि आज अनएक्सपेक्टेडली जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं भाई, उनके लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ही द राजा साहब का बहुत ही शानदार पोस्टर शेयर किया गया है। इसको देखने के बाद इनफैक्ट जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैन क्लब्स भी हैं वो भी बहुत एकदम से हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि आज इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। एंड विद दैट अनाउंसमेंट वी हैव समथिंग रिटन ऑन दिस विच इज फैन इंडिया ग्लिम्प्स, जो है वो कल शाम को 5:03 पर होने जा रही है। हमको प्रभास जो है वो साइड से नजर आते हैं, एंड द वे ही इज लुकिंग, वो जहां भी देख रहे हैं, वो चाहे अपनी एक्ट्रेस की तरफ देख रहे हैं, आई मीन लुक एट द स्वैग एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दिस मैन। हम लोग अभी तो कल्कि की ही सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही बात बोली भी गई है, कई फैन क्लब्स हैं जो ये बात बोल रहे हैं, द सडन अनाउंसमेंट ऑफ वीडियो कॉन्टेंट विदाउट एनी क्लू is very rare, especially for big films, and we witnessed it today. After a long time, an unexpected announcement with a great poster, even though his previous films is running in the theaters, aisa बहुत कम होता है। तो वही जैसे आपको बता रही हूँ कि पोस्टर बहुत शानदार आ चुका है द राजा साहब का। आज जो है पांचवा संडे चल रहा है, कल जो था फिफ्थ सैटरडे था, कल के दिन पे करीब करीब 3 करोड़ की कलेक्शन फिल्म ऑलरेडी उठा चुकी है, और उसी के साथ टोटल इंडियन नेट कलेक्शन हो चुकी है 628 करोड़ की। अगर हम हिंदी की बात करें तो भाई साहब हिंदी ने तेलुगु को भी सरपास कर दिया है इंडिया नेट कलेक्शन, मतलब नेट कलेक्शन में, हिंदी नेट कलेक्शन में, और इस साल की ये सबसे बड़ी ग्रॉसर बनने जा रही है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, यानी कि प्रभास एरा स्टार्ट हो गया है, पूरा टॉलीवुड इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारी फिल्में हैं जिनको हम देखते हैं, देखने वाले हैं। लेकिन आपको पता है बॉलीवुड में इस वक्त पर या बाकी इंडस्ट्रीज में इस वक्त पर क्या खलबली मची हुई है? खलबली तो मेन यही मची हुई है कि यार भाई क्या हो रहा है, ये टॉलीवुड इतनी आगे कैसे बढ़ता चला जा रहा है। बॉलीवुड वाले या बाकी इंडस्ट्री वाले भी इस वक्त पे ये देख रहे हैं कि यार इतनी स्पीड से, और जबकि बीच में 2023 में थोड़ी सी स्पीड कम हुई थी, लेकिन 2024 की शुरुआत से ही, चाहे हनुमान थी चाहे और भी फिल्में थी, भाई सबने ही झंडे गाड़ दिए बॉक्स ऑफिस पर। यहां पर लेकिन कल बहुत ही ज्यादा डार्क रियलिटी वाली चीजें हमारे सामने आई हैं व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड। देखो जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर जैसे स्टार को इंटरव्यू देने नहीं चाहिए, वो कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके बाद उनके लिए जिंदगी जंजाल बन जाती है। और ये सोशल मीडिया पर ही नहीं, ये वैसे भी लोगों के काफी सारे रिएक्शंस आते हैं, और मैं आपसे कुछ चीजें कोट करने वाली हूँ जो कल के एक पॉडकास्ट में रणबीर कपूर के मुंह से निकली हुई हैं। अब यहाँ पर हम इसलिए इस बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि देखो जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बात करते हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जिसका आप माना, आप अगर हम बोले कि भाई बहुत फिल्में आई हैं, सबसे ज्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से फिल्में बनती आई थी, और अगर हम पहले जमाने की बात करें तो भैया बंगाली फिल्म से शुरुआत करते 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 इंडिया ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को इस तरीके से फ्लरिश किया, उसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये एक बहुत ही बड़ा नाम बन गई, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा जो है वो हिंदी फिल्मों से ही स्टार्ट हुआ था, एंड देन दे स्टार्टेड कॉपिंग फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, जिसमें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बहुत चीजें कॉपी कर करके यहाँ पर डाली गई। वो तो मैं आपसे किसी और टाइम पे विस्तार से उस बारे में बात करूंगी, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें निकल के आई हैं विद द कपूर खानदान ऑफ बॉलीवुड। ये कपूर खानदान वो है जो एक समय पर आप समझ लीजिए कि राज करता था पूरे के पूरे, आप कह लीजिए आवाम के ऊपर, लेकिन जिस तरीके का आइडल वो अपने आप को दिखाते थे, वैसा जब वो नहीं सेट कर पाते हैं पर्सनल लाइफ में, तो हम जैसे फैंस को भी दुख होता है, क्योंकि हम एक टाइम पे सोचते थे कि शायद यार ये लोग कितने बड़े स्टार्स हैं, कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी फैमिलीज होंगी, सब कुछ एकदम सब कुछ एकदम सही होगा, एकदम बढ़िया होगा। लेकिन देखो हर जगह प्रॉब्लम्स होती है, बट यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें खुद रणबीर कपूर ने बोली हैं। और जब हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म की भी, तो भी मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मेंशन करना चाहूंगी। उसके बावजूद भी जब उसको साफ करके और उसको नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है, उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बट येस, ही एडमिटेड इन दैट पॉडकास्ट, क्योंकि फादर काफी अब्यूजिव थे इन हिज मैरिज, विच वॉज अ शॉकर टू मी। आप बिलीव नहीं करोगे, एक समय पर तो हम लोग कितने फैंस थे उनके फादर के, ऋषि कपूर जी के, और हमने कई फिल्में देखी हैं, लेकिन जब ये बातें सामने निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब उफ, दिस इज अ शॉक। और डार्क रियलिटीज की तो मैं आपसे धीरे 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 करके इनडेप्थ चर्चा करती ही चली जाऊंगी, क्योंकि ये डार्क रियलिटीज वो हैं जिनको पब्लिक के सामने आना ही आना चाहिए एक एनालिसिस के तौर पे। लेकिन कल जो बातें आई हैं उसमें जो मेन चीज लगी, उन्होंने बोली हिज फादर वॉज अब्यूजिव, ही यूज टू फाइट विद हिज मदर अ लॉट, और रणबीर कपूर ने अपना बचपन जो है एक स्टेयरकेस पे
अपने माँ बाप को झगड़ते हुए जो है वो सुना, वो बिताया, तो वो एक बच्चा अंदर से कितना सहमा होगा उस वक्त पे, मैं यही सिर्फ सोच सकती हूँ। और मुझे यही सोचकर एक चीज, एक बार को थोड़ा बहुत शॉक लगता है, काफी शॉक लगता है और थोड़ा शर्म भी आती है कि ये कैसी, मतलब क्या चीज है जो सामने पर्दे पर इतनी अच्छी दर्शाई जा रही है, एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ आइडल। उस वक्त पे जो लोग थे वो अपना रोल मॉडल मानते थे इन इन लोगों को, लेकिन अब्यूजिव रहना, शराब पीना और उसमें अपनी वाइफ से झगड़ा करना और तरह की चीजें करना, वो सब चीजें उनके खानदान में चलती चली आ रही हैं। और ये चीज साफ तौर पर रणबीर कपूर ने एक पॉडकास्ट में कल बोली है। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कल जब मैं आपसे, कल शाम को मैंने जो वीडियो शेयर किया, मैंने आपसे बोला था बहुत ही ज्यादा सेंसेशनल चीजें हैं ये, इनको इस तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है, या तो ये बहुत ही, मतलब आप कह लीजिए कि बिग बीफ गाय, मेरे दिमाग में आता है वो वाला इंटरव्यू जब बिग बीफ गाय बोला था, और वो बंदा फिर तो भाई गए, और तुमने अगर हो, आई मीन बिग बीफ गाय वो बहुत ही एंटी चीज है अकॉर्डिंग टू योर धर्म, अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म, दैट शुड नॉट बी देयर। फिर एक तरफ कहते हो कि हम ब्रह्मास्त्र में शिवा बनने वाले हैं, शिव को मानने वाले हैं, हमारे घर में पूजा होती है दिन में 2 बार, तो ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें मुझे लगी, और ये लगा कि यार मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। और भी कई चीजें बताई जो कि और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग कैंसर डेज ही उन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक कंपेनियनशिप एस्टैब्लिश करी, उससे पहले तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े होते थे, और हम अपने फादर से एक तरीके से डिस्टेंट इतने थे कि जब उसकी डेथ भी हुई उस वक्त पे भी मुझे रोना नहीं आया। आप सोचिए कि ये वो रिश्ते हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम एक टाइम पे शायद आइडलाइज करते थे, सोचते थे यार मतलब क्या बढ़िया बड़ा खानदान है, क्या फैमिली होगी, कितने अच्छे से रहते होंगे, बट वो सब ना ढकोसलेबाजी दिखती जा रही है, तो लग रहा है कि सब कुछ ढकोसलेबाजी है। तो और एक ये फैक्टर निकल के आया कि कोई आपस में कनेक्शन नहीं था, कोई प्यार नहीं था, चाहकर भी एक दूसरे से करीब नहीं थे वो लोग। और जब बात होती है रणबीर कपूर की एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, तो भी कई चीजें काफी मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी, जैसे उन्होंने खुद बताया कि आलिया भट्ट जो थी वो काफी लाउड थी अपनी बात करने में, तो मैंने उसको टोन डाउन कराया। मुझे बहुत एज अ वुमन मुझे काफी झटका लगा ये सुनकर कि यार मतलब आप एक इंसान को इतना बदलने की हिदायत दे रहे हो शादी में कि तुम अपने मर्जी से हंस नहीं सकते, अपनी तरीके से बोल नहीं सकते, अपनी टोन में बोल नहीं सकते, एंड देन यू कॉल इट अ मैरिज। तो यहाँ पर ये चीज उन्होंने बोली। तो जिन लोग, जब उस वक्त पे एक लिपस्टिक को लेकर के एक बवाल मचा था कि रणबीर कपूर को अपनी बीवी की लिपस्टिक पसंद नहीं है, उसको अपनी बीवी की टोन पसंद नहीं है, तो उसने फिर शादी की क्यों है? सबके दिमाग में वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी वाला जो एक वीडियो सामने आ रहा था, वायरल वीडियो, जिसमें बताया जा रहा था कि रणबीर कपूर वॉज मिसबिहेविंग विद आलिया, वो सामने आ जाता है, वो दिख जाता है हमारे को कि यार मतलब क्या चेहरा है ये बॉलीवुड का, यार ये क्यों है? ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब हम जब अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हो, पावर कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस वॉज सो इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल टू रियली कम आउट विद दीज थिंग्स, और प्लस अपनी फैमिली के, अपने डिसीज फादर के बारे में बहुत बातें बोली, ऐसी ऐसी बातें बोली जिनको देख के, सुन के लग रहा था यार मतलब ओके फाइन ठीक है, अब इनको चीजों को या तो अवॉइड करना चाहिए था, या फिर अब हमारे सामने आ रही है तो हमको बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही है, बहुत ही शॉकिंग लग रही है। कुछ चीजें उन्होंने बताई कि मतलब देव आई हैव एन ओपिनियन आफ्टर दिस कि इतना टॉक्सिक पेट्रियार्किकल सोसाइटी क्यों है बॉलीवुड में, और ये वही लोग हैं माइंड यू। अब यहां से मैं समोसों का कनेक्शन आपसे बिल्ड करके दिखाती हूँ कि क्या कनेक्शन है। समोसा आंटी और उसकी जो बूबोली बेटी है, वो शुरू से फेमिनिज्म 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 का राग गाते हैं, वो शुरू से बॉलीवुड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो शुरू से इन एक्टर्स के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, लेकिन भाई जिनके तुम सपोर्टर हो वही फेमिनिस्ट नहीं है, वही फेमिनिस्ट नहीं है, वही एक तरीके से मिजोजिनी कर रहे हैं, वही अपने वाइफ के को ये बता रहे हैं तू ऐसे हंस, तू ऐसे मत हंस, तू ये लिपस्टिक लगा, तू ये लिपस्टिक मत लगा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू कम आउट एंड गिव द रिव्यूज। वो आके रिव्यूज दे रहे हैं हमारे को कि भाई ऐसा है, ये फिल्म ऐसी है, इसको देखो, वो फिल्म ऐसी, उसको मत देखो। आई मीन हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है ये? तो या तो ये सब ढकोसलेबाजी नहीं होनी चाहिए बॉलीवुड में, या अगर तुम ढकोसलेबाजी कर रहे हो तो फिर ये सनातन को मैं आजकल वो कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात बोली कि मैं आजकल सनातन को स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लगता है, और मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, एंड देन यू डू दीज थिंग्स जो कि इनह्यूमन है एक तरीके से एक शादी में, कि आप अपनी वाइफ को ये कह रहे हो हंसा मत करो, जोर से बोला मत करो, अपनी आवाज कम करो, अपने, आप सोचिए कि फिर तो कंट्रोलिंग कितनी ज्यादा होगी कि तुम ये कपड़े मत पहनो, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, इसके साथ फिल्म मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये जो एक बिहेवियर है ये देखकर मुझे काफी शॉक लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यार दिस, एंड देन दे से कि हम ब्रह्मास्त्र में अस्त्र वर्स बना रहे हैं, भगवान शिव को डिपेक्ट करते हुए बना रहे हैं, और बहुत कनेक्शन फील करते हैं हम भगवान से। आई थिंक दिस ऑल इज कमर्शियलिज्म, देन केवल कमर्शियलिज्म है। खुद करण जौहर मुझे लगता है कि इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल, एक कमोडिटी की तरह देखते हैं भगवान को, कि आजकल भगवान
का बहुत लोग मान्यता है, लोग बहुत मान रहे हैं, इन भगवान की बहुत आजकल चर्चा चल रही है, इंस्टाग्राम पे बहुत वो चल रहा है वायरल, इन्हीं के ऊपर फिल्म बना दो। मुझे जहां तक ऐसा लगता है ब्रह्मास्त्र वॉज दिस काइंड ऑफ एफर्ट जिसमें केवल केवल इसी चीज को भुनाया गया, केवल और केवल इन्हीं चीजों को भुनाया गया, इसलिए ब्रह्मास्त्र बनाई गई। वहीं दूसरी तरफ जब हम टॉलीवुड की बात करते हैं या हम किसी भी साउथ इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो गई या जैसे तेलुगु की बात करूं, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो गई चारों पांचों में से, आई बिलीव दैट दे रियली आर रूटेड विद देयर रूट्स। मतलब वो इतने ग्राउंडेड है ना, कांतारा जैसी फिल्म बना रहे हैं अगर, तो उसमें मुझे कहीं से एक्टिंग नहीं लग रही थी ऋषभ शेट्टी की, कि वो जो उनके अंदर आए, मतलब जो भगवान आए, एकदम से ऐसा नहीं लगा कि वो कोई एक्टिंग हो रही है गुलिका देव की। मतलब लग रहा था कि लिटरली ऐसा हुआ होगा उनके साथ, और वो शायद हुआ भी था उनके साथ, वो भी एक न्यूज आई थी। मैंने तो कांतारा को काफी क्लोजली कवर किया था जब कांतारा रिलीज हुई थी। तो एक तो चीज वो है, दूसरी चीज ये है कि वो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, उनको माइथोलॉजिकल बोलते हैं यहाँ पर, माइथोलॉजी, उससे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब चीजों को समझते हैं, अच्छे से स्टडी करा हुआ है, सब जानते हैं कि इसको ऐसे पोर्ट्रे करेंगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, इसको ऐसे करना चाहिए तो लोग देखकर खुश होंगे। ये नहीं कि एक अस्त्रवर्ष बना दिया, कि बस नकली बस एक अस्त्रवर्ष बना दिया और ऐसा अस्त्रवर्ष है जिसमें ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। अब कहाँ है भाई ब्रह्मास्त्र 2 कहाँ है, जिस अस्त्रवर्ष की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी? वो अयान मुखर्जी तो वॉर पे काम कर रहा है, तो वो कहाँ गया वो पैशन? वो पैशन मुझे देखना है। अब शायद ये हुआ कि कमर्शियल सिनेमा थोड़ा वापस आया 2023 में, तो कमर्शियल की तरफ चले गए। व्हाट इज गोइंग ऑन? तो मुझे कहीं ना कहीं देखकर बहुत आश्चर्य होता है, बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग जो हैं इनकी पीआर आर्मी है, ऐसे लोग जो हैं जो हमारी इंडस्ट्री को एक तरीके से या लोगों को एक तरीके से पागल बना रहे हैं, पागल बना ही रहे हैं लिटरली। तो ऐसे पागल बनाने वालों के पास एक पूरी पीआर टीम है जो कल की जैसी फिल्म के पीछे लगी हुई थी पहले, अब वो राजा साहब के पीछे लग जाएगी, आई एम 100% श्योर। उसके बाद और फिल्में जो आएंगी, गेम चेंजर आएगी, उसके पीछे लग जाएगी। इंडिया 2 की के उसको देखकर, कि मतलब असफलता को देखकर लोग बहुत खुश थे, पीआर एजेंसी वाज सो हैप्पी कि बस मजा आ गया, ये फिल्म तो नहीं चली। ठीक है, आने वाले टाइम में अभी कंगुआ आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, देवरा के पीछे ज्यादा नहीं पड़ेंगे, उसमें करण जौहर एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है, वहां पीछे नहीं पड़ेंगे। पुष्पा, पुष्पा को लेकर यहाँ पर एक इंटर यू नो यू कैन से अंतर द्वंद्व बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल्कि या पुष्पा, पुष्पा या कल्कि, कौन बड़ा स्टार, अल्लू अर्जुन या प्रभास, एक तरीके का ये यू नो फाइट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पीआर टीम है ना, इनके पास मुझे सिर्फ इतना मैसेज देना है कि तुम्हें इससे बेटर है कि अच्छी चीजों को, अच्छे कॉन्टेंट को प्रमोट करो, अपने प्रोफेशन को इस तरीके से डीफेम मत करो यार। हम बॉक्स ऑफिस करते हैं, हम बॉक्स ऑफिस को कब से फॉलो करते हैं और ट्रैक कर करके लोगों को बताते हैं, अब ऐसा लगता है कि नहीं, उससे ज्यादा तो इनको एक्सपोज करना जरूरी है, जो नकली चीजों को दिखा रहे हैं, बैड न्यूज को दिखा रहे हैं। अभी बैड न्यूज ने एक सर्ज लिया है भाई साहब, बैड न्यूज बहुत चल गई है, लेकिन सबको पता है कि डेडपूल एंड वॉल्वरिन और कल की दो फिल्में हैं जो चल रही हैं इस वक्त बॉक्स ऑफिस, और कुछ चल ही नहीं रहा और किसी को कुछ देखना ही नहीं है। तो आप ये सोचो कि कल की जैसी फिल्म अपने आज 32nd डे पर, इस वक्त पर अगर मैं अभी आपको बताऊं कि 12:30 बजे के हिसाब से 32 लाख का 57 लाख का बिजनेस ये ऑलरेडी कर चुकी है, आज के दिन पे ये 4 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है अपने 32वें दिन पर, तो क्या आपको आश्चर्य होगा? क्योंकि यहाँ पर तो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था वो ये दिखाया जा रहा था ये फिल्म तो खत्म हो गई है। आप देखो, तुम बॉलीवुड की फिल्में किल देखो, बैड न्यूज देखो या डेडपूल वॉल्वरिन देख लो, लेकिन कल की मत देखो, कल की नहीं देखो, कल की देखने से कोई फायदा नहीं होगा। कल की देखकर तो तुम मतलब वो जो हमारी पुरानी रूढ़ीवादी बातें हैं, क्या कर्ण महाभारत की बात लेके बैठ जाओगे? अरे ये देखो ना, जहां पर बेड सीन्स दिखाए जाते हैं, ये देखो ना जहां पे मर्डर्स दिखाए जाते हैं, इसको देखो। सो आई थिंक ऑल दिस इज सुपर डुपर टॉक्सिक। अब आपसे मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं आपको ये जो रणबीर कपूर वाले जो बहुत सारे मतलब सेंसेशनल चीजें आई हैं सामने, मैं चाह रही थी कि मैं आपसे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड बहुत अच्छा एडिटेड वीडियो दिखाऊं, लेकिन बहुत लोगों ने कल पोल में ये बोला कि समोसा पोल खोल करनी है, तो इसलिए मैंने समोसा पोल खोल के ऊपर इस वक्त पे दिखाया है, साथ साथ में आपको वो भी इन्फॉर्मेशन बताई। बट डू कंसिडर ऑल दिस, डू कंसिडर चेकिंग आउट द डार्क रियलिटी। ये हाईलाइट मैं करना चाह रही हूँ, अंडरलाइन करना चाह रही हूँ, बहुत जरूरी है ये डार्क रियलिटी जानना आपके और मेरे लिए। एक तरीके से बॉक्स ऑफिस को मैनिपुलेट इतने सालों से इसीलिए किया गया था क्योंकि बॉलीवुड जो था अपने अपने ही चीजों को आगे बढ़ाता था, पीआर एजेंसी शुरू से हायर कर करके, पैसा दे देकर, लोगों के मुंह बंद कर करके, बहुत सारी चीजें हैं जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जस्ट सब्सक्राइब।